दिन के टाइम में तो उजाले में इतने नहीं निकले, रात के टाइम में एक एक दिख रहे हैं, एक गया तो दूसरा दिख रहा है। और मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि एक दूसरे तरफ गया, फिर एक और तरफ से एक और आया। गुड आफ्टरनून दोस्तों, या फिर गुड इवनिंग कह लीजिए। वैसे तो अभी 4 बज चुके हैं, बारिश वाली मौसम है, अलग तरह से टार्प भी सेटअप करने का सोच रहा हूँ। देख रहे हैं मौसम एकदम क्लाउडी ग्लूमी कंडीशन है। आते वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, फिलहाल अभी तो बारिश रुकी हुई है, कुछ कह नहीं सकते। बारिश का मौसम तो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है यहाँ पे। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ तो बारिश हो रही है यहाँ पर आफ्टरनून के बाद। आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रेडिक्शन था, क्या कर सकते हैं। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ड्यूटी के हिसाब से। अभी ऊपर वाले के हाथ में बारिश हो जाती है तो मज़े लेंगे, नहीं तो जंगल के एरिया की ग्लूमी क्लाउडी कंडीशन के वाइब्स को एंजॉय करेंगे। देखिए चिड़िया भी आ गए एंजॉय करने के लिए। फिर भी टार्प वार्प सेटअप कर लूँगा, कुछ कह नहीं सकते, रात को बारिश आ सकती है ना। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है सेटअप मेरा आज का। ये आगे की तरफ छोटा छोटा पोल्स लगाया मैंने और पीछे की तरफ बड़े बड़े पोल्स लगाए हैं। इस तरफ थोड़ा ढलान रहे तो अगर बारिश आ जाए तो पानी यहाँ से नीचे नीचे गिरेंगे, मैं पानी को कलेक्ट भी कर पाऊँगा। बढ़िया है ना। वैसे बारिश के हिसाब से प्लानिंग करके मैंने ये टेंट और टार्प शेल्टर सब लगाया है। अब देखते हैं, बारिश होती है तो अच्छा है, ना भी हो तो कोई बात नहीं, जंगल तो है ना, वाइब्स के मज़े लेके जाएंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ बहुत सारे काजू के पेड़ है, देखिए काजू वाला जंगल हर तरफ। और उस तरफ एक लंबा पहाड़ देख रहे हैं, चोटी दिख रहा है ना वहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे मैंने आसपास के गांव वालों से सुना था 3 भालुओं को फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल लेके छोड़ा था। मैंने एक बार बताया था ना, हमारे शहर में भालू घुस गया था पोस्ट ऑफिस में, तो वो वाले कुछ भालू और भी 2-3 भालू ऐसे लेकर वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया है वो पहाड़ियों के ऊपर। हालांकि आजकल तो काजू के मौसम भी ऑलमोस्ट एंड है, ये सब निकाल के ले चुके हैं लोग, सब जितने भी काजू वाजू सब होंगे ना वो सब निकाल के ले चुके हैं, इसलिए खतरा थोड़ा कम है भालुओं का, यहाँ पर नहीं आएंगे। वैसे भी मैं रात को आग तो जलाऊंगा ही। चलिए धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ाते हैं।
थोड़ी देर बैठा रहा, फिर बाहर जाके चिड़ियों की एक्टिविटी थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश किया। अब नेचर में आके जंगल में यही सब तो अच्छा लगता है ना, डिफरेंट डिफरेंट चिड़िया देखने को मिले। और भी एक चिड़िया दिखा मुझे येलो कलर का, बहुत ही अजीब वगैरह, मतलब वैसे चिड़िया मैंने अपने एरिया में कभी पहले नहीं देखा था। दिखाने की कोशिश किया लेकिन बहुत दूर दूर थी, कैमरा में नहीं आ पाई वो, और जंगल की ओर चले गए। दो या तीन थे, जंगल की ओर चले गए। आसपास जितने थे थोड़ा एक्सप्लोर किया, देखा, रिकॉर्ड करने की कोशिश किया। कुछ का नाम मुझे मालूम नहीं, आप लोग अगर आप लोगों को पता है तो नाम बता दीजिएगा, क्या क्या बोलते हैं उन चिड़ियों को। वैसे इस एरिया में काजू के जंगल भी बहुत हैं, और बता दूँ हमारे यहाँ से काफ़ी बाहर बाहर को ना काजू सब एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे कोई कोई एरिया होते हैं कश्मीर में, जैसे एप्पल्स बनते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, एप्पल हमारे यहाँ पे आता है। वैसे मैक्सिमम काजू ना यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर को। कंफ्यूज हो गया था, चाय बनाऊं या कॉफ़ी, कुछ तो बनाना पड़ेगा थोड़ा फ्रेश करने के लिए अपने आप को। अभी और भी कई सारे चिड़िया आ गए, सुन रहे हैं ना आवाज़ों से पता लग रहा होगा आपको। टहनियों के अंदर अंदर बैठ जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते आसानी से, नहीं तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करता, काफ़ी किया भी, नज़र नहीं आते। सब काले काले लगे थे इसमें, निकल गए। बीच में हमारे YouTube फैमिली में, हमारे फैमिली में से बोले थे ये प्याज में जो काले काले होते हैं वो ख़राब होते हैं सेहत के लिए, इसलिए अच्छे से धोना चाहिए प्याज को काटने से पहले। तेल गरम हो गया, मिर्ची प्याज फ्राई करेंगे। काफ़ी सारे कीड़े हो रहे हैं आज ये फॉरेस्ट एरिया में, ज़्यादा जंगल एरिया में आएंगे तो ऐसे ही होता है। कुछ देर के लिए लाइट भी मैंने बुझा दिया था, फिर से फिल्म करने के लिए लगाया। चलिए प्याज तो फ्राई हो गया, आज अपने साथ है चिकन, अभी इसको भी बढ़िया से प्याज के साथ ही फ्राई करूँगा अलग तरीके से, एकदम नए तरीके से। अभी इसी के साथ ही डाल देंगे टमाटर,
अभी फिर से मैंने लाइट्स बुझा दिया, वो लाइट भी थोड़ा दूर ले लिया क्योंकि बहुत सारे कीड़े गिर रहे थे आके, और भी गिरने के चांसेस थे, इसलिए दूर से ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब स्पाइसेस इसी में ही मिला लूँगा, अलग तरीके से देखते हैं क्या होता है, होने के बाद ही आपको दिखाऊँगा। ये कुछ नया आइटम बन जाएगा, भुना मसाला चिकन, मतलब चिकन के साथ ही मसालों को भून रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैंने पंखा भी थोड़ा चलाया हुआ है टेंट के अंदर, मक्खियाँ ज़्यादा हो रहे थे, कीड़े मकोड़े, जंगली कीड़े। लाइट्स भी थोड़ा दूर दूर कर दिया, अंदर का लाइट बंद कर दिया है मैंने, बढ़िया से तो पकड़ा है। एक और बात भी बताना था, मेरे एक बारिश वाले वीडियो बनाया था, इमरजेंसी बारिश, जो कि बारिश नहीं हुई, आधे में ही चला गया था, मैं बता के गया था, तो वो वीडियो का एक भाई ने थंबनेल बना के, दूसरा एक थंबनेल, अच्छा सा थंबनेल बना के मुझे मेल किया था, ये ट्राई करके देखिए बोल के, और उसको मैंने ट्राई भी किया था, और उनका नाम है अभिषेक कुमार, जो कि दिल्ली से हैं। अभिषेक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थंबनेल बना के मुझे भेजा, और मैंने उसको ट्राई भी किया, लगाया वहाँ पर, थोड़े बहुत उसमें रिएक्शंस अच्छे आने लगे, बाद में मैंने देखा, वहाँ पे चेक किया था एनालिटिक्स में, अच्छा लगा मुझे। बाकी और थोड़ी देर मेरा खाना बन जाए, चिकन बन रहा है, भुना मसाला चिकन टाइप का कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश किया मैंने, ये थोड़ा हो जाए उसके बाद राइस बना लेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे टेंट के अंदर। फ़िलहाल भी मैं रिलैक्स ही कर रहा हूँ, फैन के नीचे, पंखे के नीचे बैठा हूँ, जंगल के आवाज़ों के साथ, क्या कर सकते हैं, बारिश तो नहीं आई, धोखा दे दिया बारिश ने, अपना ड्यूटी में कर रहा हूँ, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभा रहा हूँ। अब बारिश ना आए तो क्या कर सकते हैं बोलिए, आगे भी कोशिश करता रहूँगा, ऐसे ही आता रहूँगा, जब भी बारिश मिले आप सबको मज़े करवाऊँगा, जी जान से कोशिश करूँगा आगे भी। ऑलमोस्ट हो रहा है ये, बीच बीच में मिलाते रहना पड़ेगा। वैसे आज मैंने कोशिश किया है जितना हो सके उतना कम पानी यानी कि ग्रेवी रखूं, थोड़ा फ्राइड टाइप का ही बनाएंगे। चिकन तो बन गया, तैयार हो गया अपना, अभी राइस बना लूँगा, लेकिन जब तक वो राइस बनेगा तब तक थोड़ा पास में से लकड़ी देख के आएंगे। पंखा बंद कर देंगे, देखते हैं इस तरफ जाता हूँ, थोड़े दूर देखूँगा, आसपास तो इतना नहीं मिले मुझे, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा लगता है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे तो हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे लगता है मुझे। वो सामने कुछ दिख रहे हैं, देखते हैं शायद हो जाएगा वो। काफ़ी हो जाएंगे मेरे लिए आज के लिए, इतना बहुत सारे पड़े हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से आके लेके जाऊंगा। वैसे तो खाना तो बन चुका है, बस प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, बॉनफायर के लिए। चलिए चलते हैं, हो जाएगा अभी। तो बात ये है, सुबह के टाइम इस इलाके में, मतलब हमारे एरिया में बारिश हुई थी, इसी वजह से लकड़ियाँ थोड़े थोड़े भीग गए हैं, जलेंगे नहीं,
इसलिए मैं क्या करूँगा, ये फायर क्यूब्स इस्तेमाल करूँगा आग जलाने के लिए। ये लाइटर भी आसानी से जलता नहीं। इससे काम बन जाएगा अपना। दूसरा वाला नीचे, ये बढ़िया होते हैं, फटाक से आग पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे आग पकड़ेगा, ये धुआं तो काफी हो रहा है। अच्छा है, कीड़े भाग जाएंगे। इसे एक और बात भी बताना है, हमारे YouTube फैमिली में से एक फैमिली मेंबर ने सुपर थैंक्स किया था बीच में बारिश वाली वीडियो में, जिनका नाम है POZZO6828। 200 रुपीज़ का उन्होंने सुपर थैंक्स किया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपको। स्नैक इंग्रेडिएंट फंड फॉर नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग बता रहे हैं वो जी, बिल्कुल और भी कोशिश करूँगा लॉन्ग लॉन्ग बारिश बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्नैक इंग्रेडिएंट फंड के लिए, ज़रूर उसी में ही इस्तेमाल करूँगा आपके सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए राइस का क्या हाल है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, हो गया होगा तो लगता है। हाँ ये भी बन गए हैं, पानी निकाल के ले आता हूँ। पक गए हैं, इस तरफ चलता हूँ। बढ़िया खिले खिले राइस बन गए हैं, हो जाएगा। ये भी रेडी हो गया था, फ्राइड टाइप का मसाला बन गया था मोटे ग्रेवी वाला। पंखा थोड़ा चलाया हुआ है और बाहर काफ़ी सारे कीड़े हो रहे हैं, आग के धुआं से भी जा नहीं रहे आसानी से। चलो ये तो उड़ते ही रहेंगे, जंगल तो उन्हीं का ही एरिया है, हम टेम्पररी है यहाँ पर फिलहाल। मैं आपको खाने का टेस्ट बताता हूँ क्या है, खुशबू तो ज़बरदस्त है। अच्छा अच्छा पक भी गया है, चलो ये भी एक अलग टेस्ट है, बढ़िया लग रहा है। एकदम डिफरेंट टेस्ट। हाँ बस थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि इसको मैंने पहले पका लिया था। तो और इसको पका के रख दिया था काफ़ी देर, राइस बनाया और ये सब आग वाग थोड़ा फिर से सेट किया, ये सब करते करते ये थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। और थोड़ा इधर उधर नज़र भी मारते रहना पड़ेगा, थोड़ा चौंकना रहना पड़ेगा। अभी दिखाया ना आपको, बाल बाल बच गया, मैं मुझे काटता वो थोड़ा ही रह गया था।
मेरा टेंट के आसपास ही घूम रहा था। इस एरिया में है बिच्छू, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। लाइट वाइट अच्छे से डाल के जो भी काम करना होगा करना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमेशा हर दिन सही नहीं जाता, जैसे आज भी एक गड़बड़ हो गया है। तकिया लाना भूल गया हूँ मैं घर से, घर में ही छोड़ दिया, तो आज मुझे ऐसे ही काम चला के सोना पड़ेगा। सब काम तो ख़त्म कर दिया, लेकिन थोड़ा डर, देखा ना आपने कितने सारे बिच्छू हैं यहाँ पर, इस जंगल में बहुत सारे हैं। दिन के टाइम में तो उजाले में इतने नहीं निकले, रात के टाइम में एक एक दिख रहे हैं, एक गया तो दूसरा दिख रहा है। और मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि एक दूसरे तरफ गया, फिर एक और तरफ से एक और आया। मैंने भगाने की कोशिश भी किया लकड़ी से, फिर भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, इस इलाके में है काफ़ी सारे, पता चला अभी। बाकी इतना डरावना जंगल तो नहीं है ये, मतलब हॉन्टेड फॉरेस्ट टाइप तो नहीं है, एक बीच में किया था उस टाइप तो नहीं है, लेकिन हाँ जंगल एरिया ज़रूर है, वाइल्ड एरिया है, थोड़ा तो डर लगेगा, लेकिन रिलैक्सिंग काफ़ी था, मज़ा आया। कावड़ी अभी भी है, मौसम बारिश के होप करके आया था, क्या करें, बारिश तो मिली नहीं आज, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। पंखा थोड़ा चला लूँगा, सारा काम निपटाने के बाद गर्मी लगती है बहुत। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।